जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी में। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हमारे YouTube चैनल पे आर्मी से की एग्ज़ाम की तैयारियां करवाई जाती है, तो यदि आप आर्मी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो दोस्त आपके साथ आर्मी की तैयारी करता है, ताकि उसकी भी मदद हो पाए। तो इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लेके आए हैं रीजनिंग। तो आज हम जानेंगे कि आर्मी की परीक्षा में किस प्रकार के रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि इस वीडियो यदि आप अंत तक देखते हो तो आपको पता लग जाएगा कि आर्मी की एग्जाम में किस प्रकार के रीजनिंग पूछे जाते हैं। तो आप इसमें कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का आप हल करिए और हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए कि हमारा इतना सही हुआ है और इतना गलत हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विषम चुनिए। हाँ दोस्तों, ये चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से पूछा है, रीजनिंग का पेपर है कि विषम पहचानिए इनमें से कौन सा विषम है, यानी मेल नहीं खाता है। तो लखनऊ दोस्तों राजधानी है हमारी, ठीक है, हैदराबाद भी राजधानी है तेलंगाना की, ठीक है। ये जो पोर्ट ब्लेयर है ये दोस्तों जिला है, कहाँ का जिला है आपको पता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर एक जिला है। और जयपुर कहाँ की राजधानी है, जयपुर राजधानी है दोस्तों राजस्थान की। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इनमें से जो विषम होगा वो है पोर्ट ब्लेयर राजधानी है, अरे जिला है अंडमान और निकोबार का, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि 25, 20, 15 और एक है क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहाँ 25 है, 20 है, 15 है क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ पे कौन सी संख्या होगी। तो इसका यदि आंसर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों तो आप हमें ज़रूर जाके बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाके लिखिए कि इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर क्या होगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि जो इसका राइट आंसर होगा आंसर होगा क्या। तो दोस्तों देखिए, यदि आप 25 में से 20 घटाते हैं तो 5 आता है, और 20 में से 15 घटाते हैं तो भी 5 आता है। तो आपको घटाना है फिर से 15 में से 5, तो 15 में से 5 घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 10। तो इसका जो राइट आंसर होगा जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 राइट आंसर होगा। आप सभी लोग का उम्मीद है सही आंसर आया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि भौतिक विज्ञान, हाँ दोस्तों भौतिक विज्ञान गैलीलियो, ठीक है, यानी कि भौतिक विज्ञान का जो पिता माना जाता है वो गैलीलियो को माना जाता है। तो जीव विज्ञान का पिता किसे माना जाता है। तो यदि इसका आंसर आपको आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर जाके लिखिए कि जीव विज्ञान का पिता किसे माना जाता है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अगस्तु। हाँ दोस्तों, अरस्तु को जो जीव विज्ञान का पिता माना जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दोस्तों बड़ा आसान है, प्रश्न है कि खुशबू नाक तो चलना, हाँ दोस्तों यदि खुशबू आप नाक से लेते हो तो चलते किससे हो। तो जिसका राइट आंसर आपको पता चल गया है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर जाके लिखिए दोस्तों, हर एक प्रश्न को आप लिखेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा, ठीक है। तो जाइए जाके लिखिए, ठीक है। तो चलना क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, पैर से, क्योंकि गले से या फिर नाक से कान से तो आप चल नहीं पाओगे, चल तो आप पैर ही से पाओगे, तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान है दोस्तों, आप पूरा वीडियो अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। क्वेश्चन दिया दोस्तों कि दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द कितने शब्द बन सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन कहने का मतलब है कि ये टॉप दिया गया है तो इससे कितने शब्द बन सकते हैं। हाँ दोस्तों, ऐसे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कितने शब्द बन सकते हैं। तो देखिए, टॉप से दोस्तों पहला शब्द जो होगा वो टॉप बन गया, टॉप यानी ऊंचाई पर, ठीक है। जो दूसरा बनेगा वो बनेगा पॉट, ठीक है दोस्तों। और जो तीसरा बनेगा दोस्तों बनेगा OTP, यानी वन टाइम पासवर्ड जो आपके मोबाइल में आता है यदि आप किसी भी चीज़ पर रजिस्टर करते हो तो, ठीक है। तो जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि। तो दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है कि विषम चुनिए। हाँ दोस्तों, ऑप्शन है 54, 45। देखिए दोस्तों कि ये और ये मैच कर रहे हैं सब, ठीक है, ये 5 और 4 मैच कर रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो इसी तरह हम मिलाते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन भी देखिए दोस्तों, 4, 2 मैच कर रहा है, 3, 3 मैच कर रहा है, 1, 1 मैच कर रहा है, पर ये जो लास्ट वाला दोस्तों इसमें मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ये 34 और 42 है, तो ये तो मैच कर रहा है पर ये नहीं मैच कर रहा है, इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विषम होगा इन सारे शब्दों से। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को, जानते हैं दोस्तों कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि फिर से विषम चुनिए, यानी ऑप्शन दिया है, इन चारों में से आपको विषम चुन के बताना है कि कौन सा मेल नहीं खाता है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों भारत,
दूसरा ऑप्शन है दोस्तों पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है चीन और चौथा ऑप्शन है इसराइल। तो आप ध्यान दीजिए दोस्तों कि भारत, हमारा प्रिय पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के साथ अपनी सीमा, हाँ दोस्तों सीमा क्षेत्र साझा करते हैं, पर इसराइल नहीं करता है। हालांकि ये तीनों देश एशिया महाद्वीप में है और इसराइल भी एशिया महाद्वीप में है, पर ये तीनों अपनी सीमा साझा करते हैं और इसराइल नहीं करता है, इसीलिए ये विषम होगा। तो चलिए चलते अपने अगले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि 200 का 25% कितना होगा। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके लिखिए कि 200 का 25% कितना होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि 200 का 25% जो होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लिख देंगे 25 × 200/100, क्योंकि किसी भी चीज़ का यदि आपको परसेंटेज निकालना है तो अपान में 100 आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जो जीरो से दो जीरो कटा देते हैं, ठीक है, बचा कितना 25 × 2, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो आ जाएगा 50। यानी इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 200 का 25% 50 होगा। तो चलिए चलते अपने अगले प्रश्न की ओर, जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न भी दोस्तों कुछ इसी तरह का है, प्रश्न पूछा है रीजनिंग के एग्जाम में, ऐसे प्रश्न पूछते हैं दोस्तों आर्मी के एग्जाम में, पूछा है कि 340 का 5% कितना होगा। तो दोस्तों आप इसको हल करके हमें जल्दी से बताओ कि कितना आंसर आ रहा है आपका 340 का 5% का। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाके बताओ कि कितना आंसर आएगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 340 का 5% 17 है। ठीक है, 17। तो चलिए चलते अपने अगले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू दे दिया 5, यानी एक्स का मान 5 है। तो क्वेश्चन पूछा है कि 7x / 7 क्या होगा, यानी क्या इसका आंसर निकल के आएगा। तो दोस्तों हम x की जगह पे x का मान पुट कर देते हैं, तो आपको पता है कि x का मान 5 है अपान में 5 7 और इज इक्वल टू क्या होगा, यही पूछा है। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 7 × 5 / 7 तो ये हो जाएगा 35। ठीक है, और 35 / 7 तो इसको हम डिवाइड कर देंगे दोस्तों, तो आएगा हमारा आंसर 5। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि असंगत चुनिए, हाँ दोस्तों असंगत चुनिए, कौन से एक संगत में नहीं है उन्हीं को चुनना है। तो नरेंद्र मोदी है ऑप्शन में, मनमोहन सिंह जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी में हैं और रामनाथ कोविंद जी हैं। तो आपको इसको पढ़ के समझ में आ गया होगा दोस्तों कि इनमें से असंगत कौन नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति हैं भारत के। ठीक है, राष्ट्रपति हैं भारत के रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, और ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री थे, लेकिन रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे, तो इसीलिए विषम होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए चलते अपने अगले प्रश्न की ओर, जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रॉफिट का लॉस है, यानी लाभ का हानि है। ठीक है, लाभ का हानि है, यानी प्रॉफिट का लॉस है, तो लॉस का क्या होगा, यानी कि लूज का क्या होगा। तो जिसका राइट आंसर दोस्तों बनेगा, ऑप्शन दिया है, विन होगा, विनर होगा, लूजर होगा, विक्ट्री होगा। तो जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लूज का विन होगा। ठीक है दोस्तों, विन होगा ना कि विनर होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है दोस्तों, आप हमें कहीं से भी खोज के बताइएगा कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ये आंसर देना दोस्तों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, ताकि हमको भी पता चल सके कि आपने वीडियो को पूरा अंत तक देखा है या फिर आपने वीडियो बीच में स्किप कर दी है। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, आर्मी की तैयारियां करते रहिए आप लोग, बेस्ट ऑफ लक।